आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कौवे और एक लोमड़ी की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वो पूरे जंगल में उड़ता रहता दिन भर, और एक बार वो उड़ते उड़ते जा रहा था तो उसे नीचे एक बहुत बड़ा पनीर का टुकड़ा मिला। पनीर देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वो उड़ते हुए फटाफट नीचे उतरा और उसने पनीर के टुकड़े को अपने मुंह में दबा लिया और वो उसको लेकर उड़ गया। और फिर जाकर उसने सोचा कि चलो अब इस पेड़ की टहनी पर बैठकर मैं मजे से ये पनीर का टुकड़ा खाऊंगा। ये सोचकर वो पेड़ की टहनी पर बैठ गया। तभी जंगल में घूमते घूमते एक भूखी लोमड़ी आई। उस लोमड़ी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी कुछ खाने के लिए मिल जाए और बोल रही थी, ओहो, आज तो पूरे दिन से कुछ खाया ही नहीं। मन कर रहा है कुछ लजीज सा खाना मिले जिससे 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 मजा आ जाए। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे हुए कौवे पर पड़ी। उसने देखा कि कौवे के मुंह में तो एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा था। ओह, उसका मन ललचाने लग गया। वो धीरे 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 पेड़ के नीचे गई और कुछ सोच समझ कर बोली, अरे कौवे भाई, तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो। क्या बात है, तुम्हारा तो रंग भी चमक रहा है। कितना सुनहरा रंग है तुम्हारा और कितने खूबसूरत हो तुम। और तो और, आज तो मेरा मन ही कर रहा था सुबह से कि तुम्हारी बोली में कुछ लफ्ज़ तो सुनूं, मैं कुछ शब्द सुनूं तुम्हारे। आज 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 मना मत करना, आज तुम मुझे ना एक अपनी सुरीली आवाज में कोई अच्छा सा गाना सुना दो प्लीज, मना मत करना। कौवा उसकी तरफ देखा और मन ही मन बड़ा खुश हुआ। अरे वाह, मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे तो सब कालू कालू करके बुलाते थे। ओहो, लगता है मैं अब बहुत खूबसूरत हो गया हूँ। लेकिन ये लोमड़ी ऐसा क्यों कह रही है कि मैं सुरीला भी बहुत हूँ? लगता है मेरी आवाज काहे काहे नहीं, बहुत ही मधुर हो गई है, और कर्कश नहीं, बहुत ही सुरीली हो गई है। ये लोमड़ी सही कह रही है। वो लोमड़ी की बातों में आ गया। लोमड़ी बोली, अरे कालू कौवा भैया, तुम्हें तो लोग कालू कालू कहते हैं ना, लेकिन वो ये समझते नहीं तुम कितने सुंदर दिखते हो, और जब गाते हो तो और भी खूबसूरत लगते हो। गाओ ना प्लीज। कौवा उसकी बातों में आ गया और उसने गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वो पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने फटाफट पनीर का टुकड़ा अपने मुंह में डाला और उसको वहीं खड़े खड़े खा गई। बोली, आहा हा हा, मजा आ गया। तो कौवा उसको देखता ही रह गया। लोमड़ी बोलती, ए कालू कौवे, क्या दिख रहा है, चलो इधर से, मेरा तो काम हो गया, मैं चली। कालू कौवे को अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। वो दूसरे की बातों में आकर अपना खाना खो चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखे? यही कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, जो सच्चाई है उसी को मानना चाहिए। पंकु किड्स।